इम्पोर्टेंट नोटिस के तौर पे बताया गया है, जैसा कि इसका वेबसाइट है http://dga. हाय, दिस इज मनीषा सिंह. स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि दिल्ली में होम गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि मैम आप फेक न्यूज दे रहे हो. और कोइंसिडेंसली जिस दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था उसी दिन आपको ये नोटिस दिया गया था दिल्ली होम गार्ड की तरफ से कि 24 से आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसा कि मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताए थे वो न्यूज़पेपर से मैंने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था. तो अब आ गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है मैंने डिटेल में इकट्ठा कर ली है. अगर आप इच्छुक हो जानने के लिए दिल्ली में होम गार्ड की पोस्ट के लिए जॉब करने के लिए, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी नहीं है, जिनका डोमिसाइल दिल्ली का होगा उनके लिए रहेगा. तो चलिए सारा कुछ आपको बता देती हूँ कि मेल फीमेल सबके लिए है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अगर डिटेल में देखना है तो एंड तक जरूर वॉच करना. तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, दिल्ली में होम गार्ड की नई रिक्रूटमेंट आई है, बम्पर सीट पर वैकेंसी है 10,285 सीट के लिए, मतलब 10,285, आप कह सकते हो कि 11,000 के अप्रोक्स सीट्स है, क्योंकि बाद में सीट इंक्रीमेंट की जाती है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये सीट है ना, इसमें से 33.33%, मतलब 33.33% जो सीट रिजर्व्ड होंगी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी. चलिए देख लेते हैं. आपको पहले ही मैंने बता दिया कि फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 24 जनवरी से. लास्ट डेट आपका फॉर्म अप्लाई करने का है 13th of February, मतलब 13 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. तो ज्यादा आपको वेट नहीं करना है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप इच्छुक हो, एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर ही दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा. आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फी क्या होगी. तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, लेकिन यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज का फी यहाँ पर चार्ज किया जाएगा. डजंट मैटर एससी एसटी, सभी के लिए 100 रुपीज चार्ज लगेगा. और उसके बाद एज लिमिट की जो बात थी फ्रेंड्स, आपका एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 जनवरी 2024. 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम जिनका 20 वर्ष होगा और जिनका मैक्सिमम 45 वर्ष होगा, मतलब कि 20-45 इयर्स के बीच के जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी एलिजिबल रहेंगे. और यहाँ पर बता दूं कि ऑफिशियली ये भी बताया गया है कि बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1979 to 1 जनवरी 2004 सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे. मतलब इस बर्थ डेट को आप एक बार देख लेना कि इसके बीच में आपका बर्थ डेट है तो आप इलिजिबल रहने वाले हो. क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, सिंपली जिन्होंने 12th पास कर रखा है, मतलब पहले 10th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, बट अभी इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं, एज की लिमिट में ही आप देख पा रहे होंगे. तो जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है, डजंट मैटर आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आप 12th पास हो अप्लाई कर सकते हो. अब हम लोग देख लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज वहां पर ऐड की गई है कि जो डोमिसाइल होगा, जो दिल्ली के निवासी होंगे उनके लिए ही ये वैकेंसी रहेगी. अब आप कैसे प्रमाण दोगे कि आप दिल्ली के निवासी हो? आपके पास कोई एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, मतलब इन सभी में से कोई एक आपको देना है कि वोटर आईडी कार्ड में आपका जो निवास स्थान है वो होना चाहिए दिल्ली, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आपका निवास स्थान दिल्ली है, बैंक का पासबुक जिसपे एड्रेस अगर प्रिंट है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास दिल्ली का रेसिडेंशियल है. मतलब इन 6 चीजों में से कोई एक चीज आपको प्रमाण के तौर पर देना है कि मेरा डोमिसाइल दिल्ली है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ. चलिए, तो ये तो रही बेसिक सी डिटेल. अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर. फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस. पहले स्टेज पर क्या होगा? फिजिकल. अब होम गार्ड की वैकेंसी है तो उसमें फिजिकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा. रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी सिंपली सी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगी, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी. तो चलिए इन तीनों चीज को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं.
तो सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डिस्क्राइब करेगा। तो पहले क्या होगी, आपकी PST होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड चेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। हाइट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो मिनिमम है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए है, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर फीमेल्स का रहेगा मिनिमम हाइट। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 86, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद क्या होगी, आपकी PET होगी, रनिंग होती है दोनों ही मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है। अब इसको एज वाइज बताया गया कि कितना से कितना एज को कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तो आइए समझ लेते हैं। मेल कैंडिडेट में 1600 मीटर की रनिंग जो 30 वर्ष तक के कैंडिडेट है वो 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना है, 30 से 40 वर्ष वालों के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करना है, 40 से 45 वर्ष के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा, और अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स में अगर बात करें तो जिनका अप टू 30 इयर्स जिनका एज है वो 8 मिनट उनको समय मिलेगा, 30 से 40 वर्ष के लिए 9 मिनट, 40 से 45 वर्ष के लिए 10 मिनट का समय, और एक सर्विसमैन अगर कोई महिला है तो उनको 1600 मीटर की रनिंग 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज योर ओवरऑल फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसको जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, 80 क्वेश्चंस का पेपर होगा 80 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे, टाइम विल बी 90 मिनट्स, डेढ़ घंटे का समय मिलता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। आइए अब आपको बता दूं आपका एग्जाम का जो लेवल होगा 10th लेवल का होगा, आसान सा एग्जाम होगा, ये आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग के होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स, GK GS में मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी इकोनॉमी होती है आपकी और करंट अफेयर्स, सबको कंबाइन करके GK GS मानिएगा। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और GK GS से 20 क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। तो जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो सिंपल सा एक आपका DVN मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, और जैसा पता है दिल्ली में होमगार्ड की वैकेंसी है, तो दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपको वर्क करना पड़ सकता है, जहां पर भी आपको अलॉट किया जाएगा। और जब वर्क करोगे तो कुछ सैलरी भी मिलती है, आइए मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। आपकी जो सैलरी होगी ना 25,000 से स्टार्टिंग होती है, और हर साल आपका एक इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद आपकी सैलरी 63,200 रुपीस तक हो जाती है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, मौका अच्छा है, सीट भी बम्पर निकल गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो वहां पर नोटिफिकेशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोटिस के तौर पे बताया गया है, जैसा कि इसका वेबसाइट है http://dghgenrollment.in, तो इसका जो नोटिफिकेशन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप एक बार पढ़ना। फर्स्ट पेज पे ये मेंशन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे उनका ही एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा, और अदर किसी सोर्स से अप्लाई करोगे तो कुछ वैलिड नहीं रहेगा। तो इसका दो वेबसाइट है, लेकिन ये मान्य रहेगा और ये चीज नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी हूँ, जाके डाउनलोड करके एक बार थोरो आउट आप अपने तरीके से अच्छे से रीड कर लेना। एंड आई होप कि मैंने आज जो डिटेल आपको बताया है दिल्ली होमगार्ड न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। कहीं पर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके वहां पर भी फॉलो कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।